फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मैंने अबाउट 20 दिन पहले आपको बताया था, ये मेरे जो हैं रोज़ गुलाब के पौधे बिल्कुल सड़ गए थे, तो मैंने इसको इनको कैसे बताया। तो अभी देखो इनके जैसे कितने कितने बड़े फूल, एक ये वैरायटी है इसके फूल, ये जो है ये देखो, ये पहले ऐसा कलर होता है इसका, उसके बाद ये कलर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, और थोड़ा इसके बाद ये बिल्कुल पिंक हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। ये ऐसे का ऐसे रहता है, बहुत ही बढ़िया इसका डिज़ाइन। और ये एक ये प्लांट है, ये भी उसी प्लांट जैसे पहले बताया है उसकी साथ का ही है। और ये देखो दोस्तों, इसको गुच्छों में लगते हैं, अभी इसके फूल बहुत बड़े नहीं, इसके भी बड़े बड़े हो जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 जो है एक छोटी शाखा में लगे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं। तो दोस्तों ये गुलाब का जो पौधा है ये 12 मासी पौधा है, हर सीज़न में इसको फूल लगते हैं, लेकिन शर्त है इसको एक्सट्रीम गर्मी से, एक्सट्रीम जो है कोल्ड से बचाना है, सर्दी से बचाना है, इसकी गुडाई टाइम से करनी है, इसको पानी जो है वो बिल्कुल तरीके से देना है, और मेरी मानो इसको 15 दिन बाद ऐसे जो छोटे हमारे छोटे पॉट हैं, एक मुट्ठी इतनी सी मनूर, काउडंग, कंपोस्ट खाद, और 1-2 महीने बाद इसको थोड़ा सा जो है नीम खली, वो भी एक एक चम्मच डालते रहो। तो दोस्तों आप अपने आंगन को, आप किचन गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बेनती है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाए, और अच्छी लगे वीडियो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों आप जहां रहें खुशी रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।